सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाउ आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे 10,000 रुपीज के बजट में गेमिंग पीसी बिल्ड। एंड ये एक काफी बजट फ्रेंडली पीसी बिल्ड रहने वाला है। एंड स्टिल 10,000 रुपीज के बजट में भी ये पीसी आपको काफी अच्छे लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर कर देगा। एंड इस पीसी में आप 1080p लेवल की गेमिंग काफी इजिली कर पाओगे। नाउ मैंने प्रीवियसली भी इस चैनल पर 10,000 रुपीज के बजट में काफी सारे पीसी बिल्ड किए हैं, बट ये पीसी आपको उन सभी पीसी से बेटर परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। एंड Literally guys, ये पीसी आपको 1080p लेवल की गेमिंग काफी इजिली करवा देगा। एंड गाइस इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्यों ये पीसी आपको प्रीवियस 10,000 रुपीज के पीसी से बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। लेट स्टार्ट दी वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो गाइज मेरे चैनल पर बात होती है ऐसे ही गेम्स एंड गेमिंग पीसीज से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही प्रेस करो इस बेल आइकन को, ताकि इन फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। नाउ फटाफट से पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं कि इस पीसी में मैंने कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये पीसी मेरे प्रीवियसली बिल्ड किए 10,000 रुपीज के सभी पीसी से बेटर होने वाला है। तो मैंने इस पीसी में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया है, तो यार सबसे पहले इसी चीज को डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो मैंने इस पीसी में इंटेल को i3 3240 का यूज किया है। एंड ये प्रोसेसर मैंने रिसेंटली ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया था। अब ये प्रोसेसर मैंने कहां से परचेज किया एंड ये प्रोसेसर मुझे कितने का मिला ये भी बताऊंगा, बट उससे पहले बात करते हैं इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस की। नाउ ये इंटेल की थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि बेस्ड है 22 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर। एंड इस प्रोसेसर में आपको हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट भी मिलता है। तो इस प्रोसेसर में आपको 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो कि क्लॉक्ड 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रीक्वेंसी पर। एंड साथ इस प्रोसेसर में आपको 3 MB की कैश एंड 55 वॉट्स की मैक्स TDP भी मिल जाती है। नाउ बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो ये प्रोसेसर बेस्ड है LGA1155 सॉकेट पर। तो मैंने इस पीसी बिल्ड में जेब्रोनिक्स H61 मदरबोर्ड का यूज किया है। नाउ ये मदरबोर्ड H61 सॉकेट वाला बहुत ही बेसिक सा मदरबोर्ड है। एंड इस मदरबोर्ड में आपको 2 RAM स्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं DDR3 RAM को। एंड ये मदरबोर्ड मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम को सपोर्ट करता है। एंड इस मदरबोर्ड में आप मैक्सिमम 8 GB की DDR3 RAM इंस्टॉल कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी रैम। तो रैम में मैंने हाइनिक्स की DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम का यूज किया है। एंड इस पीसी में मैंने 4 GB की 2 RAM स्टिक का यूज किया है। नाउ ये रैम काफी नॉर्मल सी रैम है एंड इसमें आपको किसी भी टाइप की हीट सिंक भी देखने के लिए नहीं मिलती है। सो गाइस अब बात करते हैं प्राइस की। तो ये प्रोसेसर मदरबोर्ड एंड रैम का कॉम्बो मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया था। नाउ ये कॉम्बो मैंने शिवा टावर ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया था। एंड अगर मैं बात करूँ इस कॉम्बो के प्राइस की, तो गाइस थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद ये कॉम्बो मुझे 5000 रुपीज का मिल गया था। तो गाइस अब आप लोग कहोगे कि भाई ये कॉम्बो आपको ऑफलाइन मिल गया था, सबको थोड़े ही ना मिलेगा। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि इस पीसी बिल्ड में मैं जितने भी कंपोनेंट्स का यूज करूंगा सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर किसी भी कंपोनेंट को परचेज कर सकते हो। एंड मैंने तो यूज्ड कंपोनेंट्स का यूज किया है, बट मैंने आपको लिंक्स न्यू कंपोनेंट्स के दिए हैं। एंड अगर आप न्यू कंपोनेंट्स के साथ भी जाते हो तो भी ये पीसी अराउंड 15,000 रुपीज के बजट में काफी इजिली बिल्ड हो जाएगा। सो गाइस बात करते हैं स्टोरेज की। नाउ स्टोरेज के लिए मैंने 500 GB की HDD का यूज किया है। एंड ये HDD आपको अराउंड 15,000 रुपीज की काफी इजिली मिल जाएगी। एंड मैंने इस पीसी बिल्ड में SSD का यूज नहीं किया है, क्योंकि गाइस सबसे बड़ी लिमिटेशन थी हमारा बजट। स्टोरेज के लिए मेरे पास ओनली 15,000 रुपीज का बजट था। एंड 15,000 रुपीज के बजट में एक 120 GB की SSD भी काफी मुश्किल से मिलती है। एंड 120 GB का स्टोरेज स्पेस काफी कम होता है, बट SSD में स्पीड आपको काफी अच्छी मिल जाती है। बट गाइज 120 GB का स्टोरेज स्पेस बहुत कम होता है। लिटरली गाइज 120 GB का स्टोरेज स्पेस बहुत ही कम होता है। 120 GB में आप विंडोज इंस्टॉल करने के बाद कुछ सॉफ्टवेयर एंड 1-2 गेम इंस्टॉल करोगे तो 120 GB का स्टोरेज स्पेस फुल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस पीसी में 500 GB की HDD का यूज किया है। एंड इन फ्यूचर मैं इस पीसी में 240 GB की SSD इंस्टॉल कर दूंगा। नाउ बात करते हैं PSU की। गाइज वैसे तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक रेप्यूटेड ब्रांड की अच्छी PSU का यूज करना चाहिए, बट गाइज ये 10,000
₹1,000 का पीसी बिल्ड है एंड पीएसयू के लिए भी हमारे पास ज्यादा बजट नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस पीसी बिल्ड में सर्कल की तरफ से आने वाली सर्कल की 400 वोल्ट्स की पीएसयू का यूज किया है। अब ये एक नॉर्मल सी पीएसयू है जो कि ऑब्वियसली मस्टर्ड केबल्स के साथ आती है। एंड अगर मैं बात करूँ इस पीएसयू के प्राइस की, तो ये पीएसयू आपको अराउंड ₹800 की काफी इजिली मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं इस पीसी के कैबिनेट की, तो कैबिनेट में मैंने जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला बहुत ही बेसिक सा कैबिनेट यूज किया है एंड ये कैबिनेट इस पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है। नाउ ये कैबिनेट आपको ₹500 का ऑफलाइन मार्केट में काफी इजिली मिल जाएगा। बट गाइज अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इस कैबिनेट की जगह चिप्रोनिक्स MX3 कैबिनेट का यूज कर सकते हो एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस कैबिनेट को परचेज कर सकते हो। सो गाइज अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की, क्योंकि गेमिंग तो आपको ग्राफिक्स कार्ड ही कराने वाला है। नाउ मैंने इस पीसी में गैलेक्स 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड का यूज किया है एंड इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको 4GB की GDDR5 VRAM मिल जाती है जो कि 1080p गेमिंग के लिए मोर देन इनफ है। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर 1080p लेवल की गेमिंग में 60+ FPS काफी इजिली ऑफर कर देगा। एंड GTA 5 जैसे गेम्स में तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर 60+ FPS काफी इजिली ऑफर कर देगा। सो गाइस अब बात करते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस की, तो ये ग्राफिक्स कार्ड मैंने रिसेंटली OLX से ₹4,000 का परचेज किया था। एंड गाइस GTX 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड आपको ऑफलाइन मार्केट में 4,000-5,000 का काफी इजिली मिल जाता है। एंड गाइस अगर आप यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने से डरते हो एंड आप जानना चाहते हो कि एक यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड कैसे परचेज करने चाहिए एंड कैसे यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड को चेक करना चाहिए, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं एंड उस वीडियो को देखने के बाद आप काफी इजिली यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड परचेज कर सकते हैं। एंड उस वीडियो में मैंने यूज्ड मार्केट में चल रहे स्कैम्स के बारे में भी बात की है, तो गाइज वो वीडियो जरूर देखना। सो गाइज नाउ पीसी बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। एंड गाइज वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये पीसी मेरे प्रीवियसली बिल्ड किए ₹10,000 के पीसी से बेटर होने वाला है, तो ये चीज मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मैंने प्रीवियसली जो ₹10,000 के पीसी बिल्ड किए थे वो सभी पीसी बिल्ड बेस्ड थे LG 775 सॉकेट वाले प्रोसेसर्स के साथ एंड उन पीसी में मैंने कोर टू कोर Q8400 एंड कोर टू कोर Q9400 जैसे प्रोसेसर्स का यूज किया था। अब ये दोनों प्रोसेसर आते हैं 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ एंड इस पीसी बिल्ड में जो प्रोसेसर मैंने यूज किया है वो आता है 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ। बट गाइज i3-3240 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ भी Q8400 एंड Q9400 जैसे प्रोसेसर्स को काफी इजिली बीट कर देता है एंड i3-3240 आपको गेमिंग में भी Q8400 एंड Q9400 जैसे प्रोसेसर से काफी बेटर परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। एंड गाइज मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 2020 एंड 2021 में LGA 775 सॉकेट बेस्ड पीसी बिल्ड ना ही करो तो बेटर है। इससे अच्छा आप सेकंड जनरेशन i5 एंड थर्ड जनरेशन i3 एंड i5 बेस्ड पीसी बिल्ड कर लो, ये पीसी आपको काफी अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस ओवर कर देते हैं। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ गेमिंग की, तो गेमिंग में भी सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर आपको काफी अच्छे लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस ओवर कर देते हैं। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यही था आज की इस वीडियो में। नाउ अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है एंड आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको Amazon की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से कुछ भी परचेज कर सकते हो। लिटरली गाइज आप उस लिंक से कुछ भी परचेज कर सकते हो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। नाउ अगर इस पीसी बिल्ड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, नहीं लिटरली गाइज क्या ही कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग गेम्स एंड गेमिंग पीसी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। एंड साथ ही प्रेस करो इस बेल आइकन को ताकि इन फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो गाइस दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।